तो गाइस वेलकम है आपका हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन देख रहे हैं। CSS3 के ट्यूटोरियल चल रहे हैं और जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इमेज को रेस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है, तो इमेज को रेस्पॉन्सिव कैसे करना है, कुछ नया है ये तरीका, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। या तो चलिए पहले एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये क्या है, हर चेंज हो रहा है हर स्टेट पर। देख सकते हैं अभी 400 की इमेज दिखाई दे रही थी और अभी ये 200 की इमेज दिखाई दे रही है, एंड अभी ये देख सकते हैं आप। तो ये इमेज आपको रेस्पॉन्सिव कैसे करनी है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल देखिएगा इसे ध्यान से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एग्जाम्पल नाम की फाइल बना रखी है, रेस्पॉन्सिव इमेज एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको, आपके पास पहले इमेजेस होनी चाहिए कई तरह की, तो मैं यहाँ पे ना सिंपल यूज करूंगा डम्मी इमेज। तो डम्मी इमेज डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट है जो कि हमें एक डम्मी इमेज प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये इमेज ही मैंने यूज की है यहाँ पे। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए कलर। लाइक मैं यहाँ पे एक येलो ले लेता हूँ कलर। ठीक है, और येलो कलर लेने के बाद आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप चाहते हैं फॉर्मेट वो भी रख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे एक पिक्चर नाम का एक टैग होता है, जो कि आपको रेस्पॉन्सिव बनाने में इमेज को काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैग होता है सोर्स नाम का, और जो कि आपने यूज किया होगा वीडियो और ऑडियो टैग में। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे इमेज टैग बनाएंगे इसके अंदर, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसे करना होता है, और यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक होता है मीडिया, तो जैसा कि आपको पता है मीडिया क्वेरी पढ़ ही रहे हैं, तो मीडिया क्वेरी यहाँ पे यूज होती है, और एक होता है SRC सेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें इमेज का URL पास करना होता है। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मीडिया में। मेरी मान के चलो मिनिमम बेड होती है 600 नहीं 700 पिक्सल। ठीक है, तो क्या हो, अगर वो जैसे ही 700 पिक्सल से ऊपर जाए तो मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से शो हो, जैसा कि मैं यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, तो 600 पिक्सल से ऊपर होगी तो ये कुछ इस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 200 पास कर देता हूँ, जैसे कि ये 600 200 की दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसका करूँगा कॉपी फाइल पाथ, और मैं गया अपने मोजिल्ला फायरफॉक्स में, एंड देन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं अभी आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, तो ये आपको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या इसका थोड़ा बर्थ वगैरह सेट कर लेते हैं, सॉरी स्टाइल वगैरह, स्टाइल बर्थ कर देते हैं हम यहाँ पे 100%। ठीक है, जो कि आप कर ही लोगे। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस आपको ये बर्थ 100% दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कि हमने तो सोर्स में पास किया है अपना URL, तो हम यहाँ पे इमेज टैग में जो स्टाइल पास कर रहे हैं वो इस पर कैसे सेट हो रही है। ठीक है, तो जो भी हम इमेज टैग में स्टाइल या कोई भी हम CSS अप्लाई करेंगे तो वो इस सोर्स टैग पर अप्लाई होगी, क्योंकि ये क्या करता है, उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से जो आपकी स्क्रीन है उसके हिसाब से वो क्या करता है, इस SRC को जो इसके URL में पास हो रहा होता है वो इसको यहाँ पे सेट कर देता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। लाइक अगर कोई बाय डिफॉल्ट इमेज हम चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर जो हमारी बाय डिफॉल्ट इमेज है वो ये वाली हो, कुछ इस कलर की हो, अगर बाय डिफॉल्ट है तो हमारी येलो कलर की हो, तो येलो कलर हम मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका कलर क्या रख लेता हूँ, बाय ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या होगा आपको अब ये ठीक तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या हो, ये इस कलर की हो, तो अभी क्या है, अभी आपको यही दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेट कर रखा है मिनिमम बेड़थ, मिनिमम बेड़थ हमने पास करा है, क्योंकि इससे मिनिमम बेड़थ में क्या होता है, अगर वो 700 पिक्सल से ऊपर है तो उस पे क्या करेगा, ये वाला URL सेट कर देगा। अगर हम यहाँ पे पास करते मैक्स बेड़थ, ठीक है, देख रहा हूँ मैक्स बेड़थ पास करता हूँ, और मैं यहाँ पे अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हैं गाइज अब आपको जो है येल्लो कलर की दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और इसे मोबाइल ब्राउजर में लेकर जाता हूँ, तो देखिएगा जैसे कि मैंने मोबाइल व्यू में लेकर आया, तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे गिनी है, अगर ये 700 से नीचे जाती है तो क्या होगा, ये दूसरे वाले SRC सेट को अपने URL में फिक्स कर देगा। ठीक है, देखिएगा गाइस, तो
जैसे देखिए अभी ये 700 से नीचे गई, ठीक है, तो अब उसने क्या किया, दूसरी इमेज को सेट कर दिया। तो ऐसे हम रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 200 ही कर लेता हूँ जिससे कि और बेस्ट शो हो आपको। तो जैसे अगर ये उससे ज़्यादा हो रही है, तो ये 700 से ज़्यादा हो रही है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 600 200 की येल्लो में दिखाई दे रही है। अगर हम उससे नीचे जा रहे हैं तो 600 200 की ब्लू दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे आप इमेज सेट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम विड्थ का क्या होता है, मैक्सिमम विड्थ जैसे आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम इतना होता है, 0 से लेकर के जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे 700 पास किया है, तो अगर ऐसे हम 0 पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो ये 0 से लेकर के 700 तक इसी इमेज को दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे मिनिमम पास करते हैं तो ये क्या बोलता है कि मिनिमम 700 पिक्सल आपकी जो स्क्रीन है तब 700 पिक्सल होगी, तब उससे ऊपर जितना भी होगा तब हम उसमें ये वाली इमेज दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा अब ये तभी दिखाई देगी जिससे 700 से जितनी ऊपर होगी तो अब आपको ब्लू वाली दिखाई देगी, अगर 700 से कम जाते हैं तो आपको येल्लो वाली दिखाई देगी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ जैसे कि मैं कंट्रोल माइनस कर लिया मैंने अभी, तो थोड़ा और दूर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसी को सेम कॉपी कर लेता हूँ, और आप ऐसे रेस्पॉन्सिव सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इसकी जगह यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ जो कि वो ग्रीन कलर का, ठीक है, तो ग्रीन कलर का मैंने सेट कर दिया है। और मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 400 हो, मतलब मिनिमम मैं कर देता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 400 हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा गाइज अभी आपको क्या समझ में आता है वो देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा जैसे अगर मैं इसे 400 मैक्सिमम किया, ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने आ गई स्क्रीन। देखिए मैं अगर यहाँ पे मैंने क्या पास किया हुआ है, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ अगर 400 है, मतलब 0 to 400 है, तब आपको ये वाली इमेज होगी, ठीक है, ग्रीन वाली। अगर आप 400 से ऊपर जाते हो तो आपको येलो वाली शो होगी, और अगर आप 700 से पार जाते हो तो आपको ब्लू वाली शो होगी, ठीक है। तो ये काम होता है रेस्पॉन्सिव इमेज बनाने का, और ये आपको समझ में भी आया होगा, आई होप आपको बेस्ट भी लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, तभी आपको जो है हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।